ये घोड़ा घोड़े पे, इस पे हम स्कूल जाते थे तो इस पे बैठ के जाते थे। इधर देखो, यही वो तालाब है जहाँ पर मैं इससे बातें करता था। जैसे ईख है, ईख में ये सारे कवर जो है हम कवर कर, इतना दूध, ये प्योर देसी है यार, प्योर घर का है ये, पूजा का है। गांव आ रहे हैं दोस्तों, गांव आ रखे हैं। और गांव में ऐसा होता है कि यार थोड़ा जल्दी उठ के अपना एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो ये मैडम है, ये मैं हूँ। तो हम 5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, 5 बजे होंगे ना, 5 बज गए। देखो अजान भी लग रही है। और रनिंग करके अपने दिन दिन में, मतलब उजाला होने से पहले पहले थोड़ा 5:15 हो गए तो निकल जाएंगे। क्योंकि यार गाँव में थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार वहाँ से आए थे, यहाँ भी टेंशन बाजी कर रहे हैं ये वो। मैं गांव की बहू हूँ ना, ये गांव की बहू है मैं, मतलब मैं यहाँ की बहू हूँ। तो मुझे यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लगेगा, सिर पे भी नहीं है अभी तो अच्छा नहीं, मैं गिर नहीं जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। तो इसलिए हम इतने रात में आए हैं कि कोई देख ना ले, देख भी लेगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब लगता है करने में। चार बातें बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से हमें टाइम मैनेज करना चाहिए। तो हम कर रहे हैं फिजिकल के लिए, तो हर किसी को टाइम देना चाहिए अपने। दिख भी नहीं रहा बहुत, कौन दे रहा है। थोड़ा सा उजाला आने वाला है, उसमें हम लोग दिखेंगे। हमारे गांव की सड़कें बहुत गजब बनी हुई हैं। जब मेरी शादी हुई थी, मतलब दीदी की शादी हुई थी, मैं तो पहले से आना शुरू हो गई थी गांव में, अपने ससुराल में पहले से आना शुरू हो गई थी। तो जब दीदी की शादी हुई थी तो मैं सड़कों को देख के गई थी, मेरे को वाह सड़कें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं इस गाँव की। चलिए अब हम रनिंग कर लेते हैं, रनिंग करने के बाद फिर थोड़ा उजाला हो जाएगा, तब थोड़ा ब्लॉग शुरू करते हैं। आज तो बहुत ज्यादा दौड़ रही है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो गया है अभी चल रही है रनिंग। थोड़ा थोड़ा तो उजाला लग रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो गया है। कब आएगा पहले बार दौड़ रहे ना यहाँ पे, तो रास्ते का भी नहीं पता है इसको, रास्ते का नहीं पता। मेरे को तो पता है, मैं तो बचपन से यहीं पे खेला हूँ। हाँ चल दौड़ ले। देखो यही वो तालाब है जहाँ पर मैं इससे बातें करता था। जैसे ईख है, ईख में ये गोबर है, ये पोटी है उसकी, भैंस उसकी पोटी है। ये क्या है, इस पे गोल गोल छतरी, ये छतरी, मैं जैसे सांप की छतरी बोला करती थी। ये ईख है देख, यहाँ पे गन्ना है, ये इसी में बैठ बैठ के बातें करता था मैं। और ये पीछे जो है, ये सब चीजें आप देख के ना, उसको हम कुत्ता बोलते थे, वो जो बालों पे चिपकाते हैं ना। हाँ, किसी को फेंक का मार दो ना, सब क्या अलग अलग चीज बोलते हैं। डर गई इधर से अजान लगी ना, जैसे ऐलान होता है मोमडनों में, मुसलमानों में, तो सभी को सूरज निकलना शुरू हो गया। इतने बजे से इतने बजे तक सूरज निकलेगा, सूर्य का टाइम है। हाँ, मैं और ये तालाब है यहाँ पे, और पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब तालाब है। और यहीं पे बातें करता था इस, ये हमारी लव स्टोरी इस तालाब से शुरू, यहीं से शुरू हुई थी। कोई भी पूछती थी कहाँ हो कहाँ हो, मैं यहीं बताता था कि यार मैं यहीं पे हूँ। और सच में ये तो शुरू से गाँव में, और ये वाले हमारे खेत है, इधर वाले ये जो खाली पड़ा है, यहाँ धान थे, चावल, हाँ हाँ ये अपना था, वहाँ से यहाँ तक सब अपना है, ये सब हमारा खेत है। और यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था सब कुछ इनके लिए तो पूरा। और पहले क्या होता था, जैसे अभी तो घर घर में जाऊंगी, मुझे बोलने नहीं दे रहे। पहले क्या होता था, पहले तो अभी तो लैट्रिन बन गई सब में, सब जगह लैट्रिन है, यहीं पे आके ऐसे ही बैठू खुले में, क्योंकि यहाँ पे सब धान थे और ईखे उके थे, ईखे में चले गए पहले जब हम छोटे थे, खुले में करते। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी तो यार सब समझदार हो गए, हमारे प्रधानमंत्री भी इतना जोर दे रहे हैं सब चीजों पे, तब तो गाँव में भी लगभग सब बंद ही है सब। अब बता क्या बोल रही थी। मैं बोल रही थी कि यहाँ आप तो बचपन से रहे हो, लेकिन मैं गांव में बहुत कम रही हूँ, तो मेरे को तो हर चीज एकदम ऐसा लग रहा है, अजीब अजीब सा। हाँ, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बढ़िया बढ़िया। ये देखिए गोबर है, गोबर ऊपर तो मैं जानती हूँ यार, गोबर नहीं है, इसको बहुत देर तक हम एक जगह डंप कर देते हैं तो कम्पोजिट खाद बन जाता है, ये खाद बनता है, इससे यूरिया होता है खेतों में। ये वहाँ आंटी ने खरीदा था। हाँ, शहरों में जो इसे खरीदते हैं, और यहाँ फ्री में, वही यहाँ फ्री में मिल रहा है, फ्री का, फ्री में खा ले,
फ्री में मिल रहा है। गन्ने ले आना मेरे लिए, तो गन्ने ले आओ। देख ये सब ईख है यहाँ पे सारे गन्ना, ये गन्ने लाते हैं मुझे छील के इन्हें देना, ये मतलब ये मुझे छील के देते हैं। इसके दाड़े कमजोर है ना, मैं तो कमजोर नहीं है, मैं क्यों अपने बर्बाद करूं। मैं तो बचपन से, हम तो घर पे रहे हैं, हम तो घर पे रहे, हमारे तो दाड़े क्या है, हम तो आदमी को खा जाएंगे। लेकिन अब कीड़े लगने लगे यार, अब उम्र बढ़ रही है हल्की हल्की ना, तो कैविटी मेरे पता नहीं वो कीड़ा है कि क्या है, है कुछ काला, बचपन से तो काला काला। अब इधर से हमारा घर आ जाएगा ना, ये इस तरह से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से घर आ जाएगा। ये शॉर्टकट मारा है, बीच गांव में निकल के गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, और यहाँ पे शॉर्टकट मार रहे हैं घर पे जाने के लिए, क्योंकि घर स्टार्टिंग ही है। ये देख चारा है, ये चारा है उसके खिलाने के लिए, भैंसों वैंसों को खिलाने के लिए। यार गांव की लाइफ में मजा ही अलग है। लाओ मुझे तो, मैं कोई गलती करूँ तो बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना। ये चारा यानी कि चरही बोलते हैं इसे, है ना? चरही बोलते हैं हाँ। कैसे मुरझा गई, काली पीली पड़ गई, पुरानी हो गई ना ये। मैं पता है क्या बोलती थी इसे बचपन में, जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी देखो भुंटे आएंगे इस पे। भुंटे नहीं चरही है। अरे मैं मतलब बचपन की बता रही हूँ, भुंटे आएंगे इस पे। और यही मेरा पैतृक गांव, मकोई के पेड़ भी, तो मकोई हम लोग मकोई बहुत खाया करते थे बचपन में, छोटी छोटी काली काली होती है वो, बहुत खाया करते थे। तो यही से हमारा मुझे तो डर लग रहा है इस सड़क पे चलते मेरे मिले ही आती थी। हाँ जरूर, यहाँ तो नहीं आती थी, यहाँ खेतों में नहीं, मतलब इसी गांव में आती थी, यही मेरा पैतृक गांव यही है। इधर तो मुझे डर लग रहा है, अरे दिख गई सड़क, आ गई सड़क। अरे तो मुझे डर लग रहा था इस पे, सड़क देखते थोड़ा शांति लगी, छोड़ के मुझे चले जाइयो भाग जाओ ऐसी करते करते। अब मम्मी पंकज जी, ये भगवान पंकज जी, देखो पंकज जी, पंकज जी मेरे को छोड़ना मत, पंकज जी। ये माता जी धार निकाल रही है, अगर वो एक बच्चिया है, एक कटिया है, ये माता जी ताली ताली दूध पीजिएगा। मम्मी धार निकाल के लाए हैं दूध, इतना दूध, ये प्योर देसी है यार, प्योर घर का है ये, पूजा का है ये, हम पिया है पता, इतना सारा पी लेंगे, पी लेंगे एक गिलास पियेंगे यार, मोल का दूध पी कर तरस गए टप लेंगे। सफाई स्टार्ट कर दी है, ये पर्दे उर्दे निकालेंगे मम्मी, ये पर्दे, ये सारे जितने भी पर्दे हैं ये निकाल लेते हैं, क्योंकि घर पे पापा थे अकेले, और देखिए घर पे जाले भी ठीक ठाक हो रहे हैं, और ये मेरी फोटो थी स्टार्टिंग में, जब ट्रेनिंग टाइम में खिंचवाए थे तब थी वो सारी, और ये सारा जितना भी गंद है अभी साफ सफाई करेंगे, मैडम मैं और मम्मी सब मिल के, तीनों मिल के साफ सफाई चलेगी। ये मतलब पूरा गंद मचा हुआ है, घर पे कोई रहता नहीं है, हम दोनों बाहर रहते हैं, मम्मी भी हमारे साथ थी तो घर पे कोई नहीं था, घर पे लोग लगा हुआ था। अब आए हैं और समय हो रहा है 9:45 बज गए हैं, अब सब कुछ साफ सफाई में लगने वाले हैं। हल्का क्या करना है अब, साफ सफाई में लग रहे हैं, चलिए मैं वीडियो में बना के दिखाता हूँ आपको। ये सारे कवर जो है हम कवर कर, क्या हो गया चिपकली थी मैं इसीलिए नहीं करती थी। अरे अब क्या हाथ में घुसा हुआ है तेरे हाथ में, यार नोटंकी तो देखो यार इनकी कितनी नोटंकी है, कल नहा रही थी तब भी मेरे से मुंह देखो, बोतल लगता है जो तुझे चिपकली से, मैं नहीं करूंगी मेरी चर्बी, मैं नहीं करूंगी जो तुझे, आप करो, मैं वीडियो बना लूंगी, आप करो वीडियो मत बनाओ। काली चिपकली थी, काली चिपकली थी, अरे यार देख कैसी है, अरे 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 लगता है सच्ची में मेरी बहुत होती है। हवा सेंट तो होती है, रोक रही है भाग गई गई वो बंद कर दो, मुझे बहुत रोना आ रहा है। अरे तेरे में रोने क्या बात है, मुझे अजीब से लग रहा है, अंदर से अजीब अजीब से हो रहा है, बहुत
हाँ तो ठीक है, तो अब तो गई दूसरे में भी सब सब होंगी यहाँ बहुत सारी चिपड़ी है। अरे सब पाली थी मुझे सुनाई दे। अरे तो ये क्या कर रही है, मुझे याद आ रही है चिप्पी क्या हो गया। अरे ये जो हम जब जाते हैं ना ड्यूटी, तो जब हम गांव छोड़ के जाते हैं तो इस पर सब पे कवर अप कर देते हैं कि जब आए तो इतनी धूल ना रहे, आके अपने सो सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये सफाई कर रही थी तो अचानक इसमें से ना छिपकली निकल गई। कल नहा रही थी तब भी मेरे से बोल रही थी इसको साफ सफाई कर दो। ये सब मैं वीडियो बना लूंगी, आप करो ये हटा दो, फिर बाद में मैं कर दूंगी। तो भाई बैट्समैन चेंज हो गया है, जो बैट्समैन आगे खेल रहा था वो पीछे चला गया, जो पीछे वाला है वो आगे आ गया है। और कोई छिपकली है तो मैं इधर मत भगाना, बता रही देखो छिपकली से मैं कट जाऊं चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कटनी चाहिए। इसका इसका जो जीवन है वो अनमोल है, वो देश के लिए कुछ करेगी। हम क्या, हम फोड़ आदमी है, आ यार झोला उठाएंगे चल देंगे हम तो। छिपकली से ना मुझे कटने से डर नहीं लगता, मुझे उसके चढ़ने से डर लगता है। वो जी नहीं प्लीज देखो प्लीज, मैं कहाँ चढ़ू, मैं सच्ची छिपकली से बहुत डर लगता है। तो कोई नहीं, नीचे बिस्तर पे मत रखो, ये हो गया ना देखो खुद भी डर रहे हैं। नहीं मैं कभी हो उस पे, वैसे आप कम डरते हो। और बताइए ये पर्दे इधर उधर कर दो, ये होगी तो भाग जाएगी। कौन सी किस कलर की भागी थी इधर को, काली सी थी। हाँ तो बोई जोड़ी थी मेरे ऊपर काली सी थी। हाँ हाय मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है ना पर्दों पे होती हैं, यहाँ यहाँ बहुत छिपकली हैं। थी कहाँ गिरी, मेरे को नहीं थी वही तो, ये ना मुझे तो डर लग रहा है मेरे पैरों की तरफ ना आ जाए। अभी हो गया है, इसको साफ सफाई का जिम्मा है आपका, उधर थी वो भगा दिए। अरे इतना भी मत कूद, बिल्कुल डर लग रहा है यार। चल ठीक है अब आ जाओ फ्रेंड, सैकड़ों छिपकलियां होंगी सैकड़ों। सुंदर लग रही है पर यार तू है, इस घड़ी को पहचानना क्या है, ये घड़ी को पहचानना क्या है, इधर आओ इधर आओ, अंदर अंदर मैंने देखी तेरी है। ये घड़ी मम्मी को दी थी पापा ने, ये घड़ी मम्मी को दी थी पापा ने स्टार्टिंग में, बहुत दिन हो गए, दिखाओ। शादी की यादें ताजा हो गई सफाई करने में, दीपावली की दीपावली की सफाई कर रहे थे। तो ये पहला गिफ्ट था जो पापा ने मम्मी को दिया था, कब दिया था वो मम्मी ये? टाइटस की है। टाइटस की टाइटस तो ये कब दिया था वो? सन 2085 में, दो हजार पिचासी में, 1985 में, सन 1985 में पापा को जब शादी हुई थी। हाँ इतने दिन तो टिकती भी नहीं, शादियां कहाँ टिकती हैं आजकल। साफ सफाई पे पुरानी यादें ताजा हो गई, और जो देख रहे हैं उनको क्या बोलोगी भैया, आप भी साफ सफाई करना अपनी पुरानी ताजी करना। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सारे परिवार की तरफ से। मम्मी और वाइफ सब तो आप मिलते हो, और पापा बाहर अभी चरी काटने गए हैं, गोद मतलब भैंसों के लिए चारा लेने गए हैं, और भैया भाभी आने वाले हैं, उन सभी हम आपको मिलवा देंगे। देखो मम्मी कितनी खुशी खुश हो रही है इसके ऊपर। अरे अब तुझे सफाई के लिए बोला था या क्या करने लगी, क्या लेगा ये? ओ तेरी, देखो चूड़ियों का कलेक्शन देखो, एक ये देखो इसके चूड़ियों का कलेक्शन, ये चूड़ियाँ ये चूड़ियाँ हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और ये आ गए मैचिंग की पहनूंगी।
बहुत बदतमीज है। सफाई हो गई मुझे लग रहा है आज। तो अच्छा लगता है कोई कैसा है कि बहु नंगे हाथ घूमने यहाँ पे बहुत नोटिस करते हैं अपने वहां की तरफ थोड़ी है। और क्या कोई नोटिस नहीं करेगा, देख नहीं रहे यहाँ पे कितना लटकन चक्कर करना पड़ता है। देखो कितना डरती है गांव में और शहर में, ये अंतर है। ये शहर में ऐसी घूमती फिरती रहती है और यहाँ पर कितना डरती है, बोले यार पल्लू नहीं किया, ये नहीं हुआ। पल्लू का तो कोई बात नहीं, पल्लू को तो सास ससुर ने छोड़ दे रखी है, लेकिन फिर भी है कि छोड़ लेते हैं, भले ही छूट दे रखी, किसी की छूट का फायदा ना जाए फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। वैसे तो अभी लोअर टी शर्ट भी पहन लेते हैं हम लोग, हमारे सास ससुर ने सब छूट दे रखी है। सास ससुर अच्छे हैं, नसीब हमारा अच्छा है। पति बस अच्छा नहीं है, पति तो बहुत खराब मिल गया तेरे को ना। आप मत कहा करो, मैं कह लूं कोई बात। आप मत कहा करो, मैं कह लूं कोई बात नहीं। क्या खराब, आप कहते हैं तो सीरियस लगता है, मैं तो कॉमेडी कर देती हूं। चल जल्दी सही साफ सफाई कर। मैं साफ सफाई शुरू कर रही हूं अब ना, चिपकली धरी थी। लग रहा है मुझको अभी पिछली बार तो घोड़ा तांगे तो देखने ही बंद हो गए। ये दिए बेचने आए हैं अपने, ये देखो कितना होगा, कितना ले रही मैं। हाँ बेटा ये घोड़ा, घोड़े पे इस पे हम स्कूल जाते थे तो इस पे बैठ के जाते थे, इधर बैठते थे। और ये घर घर जा, इधर गांव में आए हुए हैं। बहुत मेहनत कर रही है लड़की, बहुत मेहनत कर रही है, देखो क्या बना रही है। ये हिंदू धर्म की पहचान है यार, और हमें अपने संस्कृति के लिए करना चाहिए। एक ये बनाएगी और कहाँ स्वास्तिक, मुझे कई सारे बनवाने को दिया है मौसी जी ने काम। ये फाइनल बना है, अब ये इधर जा रही है, इधर ही बनाएगी। पता है बचपन में मैं इसे उल्टा बना दिया करती थी। कैसे सुंदर लग रही है गाँव में आके, तो साड़ी उड़ी कब पहनेगी साड़ी, कल मोटी खूब लगेगी उसमें, इसलिए तो मन नहीं हो रहा पहनने का, वरना तो पहनती। एकदम चकाचक चमका दिया है मैंने, अब बाहर का पोर्शन देखते हैं फिर दीदी के कमरे का। ये देखिए सब बाहर का पोर्शन, इधर से देखिए ये हमारी डाइनिंग टेबल है, इस पर हम सब जब आते हैं पूरा परिवार तब खाना खाते हैं। सामने शोकेस हो गया, और ये मेरा कमरा हो गया, वो सॉरी हमारा ये टीवी रूम, फ्रिज वगैरह रखा है, ये मेरे बच्चे की साइकिल रखी है, छोटी सी बाबू की साइकिल है। अब चलिए चलते हैं दीदी के कमरे की तरफ, ये मेरी दी का रूम है, इसकी भी हालत सुबह दिखाई थी ना मैंने आपको कैसी थी, देखिए अब ये A1 हो रखा है।
भैया आज की वीडियो इतनी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी वीडियो कल बनाएंगे। अगले ब्लॉग में मिलाएंगे, मम्मी पापा भैया भाभी सब आ गए हैं, सबसे कल मिलाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत। हैप्पी दिवाली भैया आप सभी को हमारी तरफ से। नमस्कार।